सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको नया टेस्टी रेसिपी बताने जा रही हूँ, तो चलिए चलते हैं। एक कटोरी चीनी, एक कटोरी आटा, छोटी कटोरी रिफाइन, ये मोयन देने के लिए घी, फ्रेश आधा किलो आटा का चला हुआ चोकर। दोस्तों, ये आटा को हम यहाँ पे चोकर में मिला लेंगे। इसको हम अच्छी तरह से इसमें चोकर में आटा को मिला लेंगे। तो फिर ये हम घी को डाल देंगे, पूरे आटा में इसको फैला लेंगे चोकर में, फिर अच्छी तरह से मिलाएंगे। चाहे तो इसमें हम रिफाइन का भी मोयन दे सकते हैं। दोस्तों, हम इसको अच्छे तरह से इस तरह से मैश कर लेंगे इसमें, ताकि मेरा खस्ता बने। तो अच्छे से 5 मिनट तक मिलाएंगे। दोस्तों, इसको इसी तरह से 5 मिनट तक मिलाते रहिए। अगर आपके पास मिलाइए, नहीं तो दूध है तो दूध में भी इसको मोयन दे सकते हैं पानी। देखिए दोस्तों, हम इसको अच्छी तरह से मोयन देके मिला लिए हैं। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। एक कटोरी चीनी लिए हैं, इसमें हम अब डाल देते हैं, फिर इसको मिला लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमने चीनी को भी इसमें मिला लिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको मिलाते रहेंगे। इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है। पानी के जगह हम दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा खस्ता दूध से भी और अच्छा टेस्टी बनेगा। देखिए, थोड़ा सा और हम पानी डाल ले रहे हैं। मेरे पास दूध नहीं था, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाएंगे। बस थोड़ा सा इसको टिकिया बनने तक तैयार करना है, ज़्यादा गीला नहीं करना है, तो मेरा खस्ता अच्छा नहीं बनेगा। देखिए दोस्तों, इसको इसी तरह से कर लेना है, ताकि मेरा छोटा छोटा टिकिया बन सके। देखिए दोस्तों, मेरा इस तरह का हो जाना चाहिए, ताकि हम गोल गोल इसका टिकिया बना सके। इस तरह का होना चाहिए। जब मेरा ऐसा बनने लगे तो समझिए कि मेरा तैयार हो चुका है। देखिए, अब हम इसी तरह से इसको गोल गोल बना लेंगे, फिर इसको टिकिया बना करके तेल में छानेंगे। देखिए दोस्तों, इसका हम गोल गोल कर लिए हैं, अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब हम इसका टिकिया बनाएंगे। अब हम इसका टिकिया बनाते हैं, इसी तरह दबा दबा करके पतला पतला ही करेंगे। देखिए दोस्तों, हम सारा टिकिया बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको तेल में छानेंगे। दोस्तों, अब हम गैस जला लेते हैं, इस पे तवा रखा है। देखिए दोस्तों, हमारा तवा गर्म हो गया है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। आप कढ़ाई में भी छान सकते हैं, मैं इसी पे तल दूंगी इसको। मेरा तेल गर्म हो चुका है, मैं इसमें डाल देंगे। मेरे खस्ते को अब धीमी आंच पे पकाना है, धीरे धीरे। दोस्तों, धीरे धीरे हम सभी को पलट लेंगे। धीरे धीरे सभी खस्ता को हम पलट लेंगे,
और धीमी आंच पे दोस्तों पकाना है, नहीं तो तेज आंच पे जल जाएगा। कुरकुरा होने तक तलना है इसको। दोस्तों मेरा खस्ता तल गया है, अब हम इसको थाली में निकालेंगे। देखिए दोस्तों मेरा बन के तैयार हो गया है, एकदम खस्ता कुरकुरा। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा नया रेसिपी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।